बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग रेवेनेंट एक सच्ची कहानी ये कहानी शुरू होती है सन 1823 से जहां पर यह दिखाते हैं कि एक बहुत घने जंगल में 45 लोग हैं और इस सारे के सारे जानवरों का शिकार करके उनकी खालों को बेचकर उसका व्यापार करते हैं और इसी समूह में एक आदमी होता है ह्यूग गिलास और उसका बेटा हॉक ये सारे के सारे जब जंगल में होते हैं तो इनके ऊपर एक आदिवासी कबीला हमला कर देता है और इनके बहुत सारे लोगों को मार देता है और ये आदिवासी कबीला हमला इसलिए करता है कि इनका जो सरदार होता है उसकी बेटी को किसी ने अगवा कर लिया होता है और उन्हें ऐसा लगता है कि ये इन्हीं का काम है अब इनके बहुत सारे लोगों को मार दिया गया है और ये मात्र 10 बचे हैं और ये 10 के 10 जो वहां पर इनकी नाव होती है उस पर बैठकर वहां से निकल जाते हैं। लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है क्योंकि ये ये सब जानते हैं कि ये पूरा इलाका उन्हीं आदिवासियों का है और नदी में चलती उनकी नाव को कहीं ना कहीं से वो सब देखने हैं। और वो कभी भी इनके को जो इनका होता है, वो ग्लास से कि हमें क्या करना चाहिए चलना चाहिए लेकिन इतफाक नहीं रखता तो वो लोग हमें जल्दी मार देंगे और जमीन का रास्ता बहुत लंबाई हमें घर पहुंचने में कई हफ्ते लग जाएंगे लेकिन यहाँ का जो कैप्टन होता है वो बोलता है कि इस इलाके को इस टेरिटरी को ग्लास बहुत अच्छे से जानता है और अब उसकी जिम्मेदारी कि हमें वो घर सुरक्षित पहुंचाए और वो ये तय करते हैं कि अब हम जमीन के रास्ते जाएंगे और वो सारे अपनी नाव से उतर जाते हैं और नाव को पानी में खुला छोड़ देते हैं ताकि आदिवासियों को वो नाव बहुत आगे मिले और तब तक वो उनकी नजरों से काफी दूर चले जाए उतरने के बाद ये अपनी सारी की सारी खाले पत्थरों के नीचे छुपा देते हैं ताकि भविष्य में कभी दोबारा इस जगह पर आए तो इनकी खाले इन्हें मिल जाए और अब ये सारे के सारे जंगल के रास्ते चलना शुरू करते हैं और यहाँ की एक और बहुत बड़ी समस्या ये होती है कि यहाँ की ठंड बहुत खतरनाक होती है और ठंड का मौसम आने वाला है इनका रास्ता कई हफ्तों का है और इन्हें उस ठंड का सामना करना पड़ेगा लेकिन इनके पास अब और कोई चारा नहीं है इसीलिए सब उस ठंड का मुकाबला करने के लिए तैयार है और अब ये सारे के सारे उस घने जंगल के रास्ते चलना शुरू करते हैं रात होती है और ये सब जंगल में सो जाते हैं और अगले सुबह ये दिखाते हैं कि इनकी नाव छोड़ने का जो फैसला था वो बिल्कुल सही था क्योंकि आदिवासी इनकी नाव तक पहुंच जाते हैं और आदिवासी देखते हैं कि नाव में कोई भी नहीं है वो समझ जाते हैं कि ये पैदल जंगल के रास्ते घर जाने की कोशिश कर रहे हैं तभी उन्हीं आदिवासियों में से एक आदिवासी बोलता है कि उनके पैरों के निशान हमें उत्तर की तरफ जाते हुए मिले और ये सारे आदिवासी ये फैसला करते हैं कि ये सब उनके पीछे उत्तर की तरफ जाएंगे अब आदिवासी इनके पीछे जो ने मारना चाहते हैं और ये लगातार उत्तर की तरफ बढ़ते ही चले जाते हैं पूरा दिन पैदल चलने के बाद रात को ये एक जगह अपना डेरा जमा लेते हैं सुबह सबसे पहले गिलास उठ जाता है वो अपनी बंदूक उठाता है और जंगल में टहलने के लिए चला जाता है तभी उसे ऐसा लगता है कि उसके आसपास कोई है और ग्लास एकदम सतर्क हो जाता है और उसे सामने भालू के कुछ बच्चे नजर आते हैं इससे पहले कि ग्लास वहां से निकल पाता भालू उस पर हमला कर देता है ग्लास की बंदूक जाती है और भालू उसे बुरी तरह से जख्मी कर देता है ग्लास बुरी तरह जख्मी हो चुका है भालू उससे थोड़ा सा दूर जाता है और ग्लास बड़ी मुश्किल से अपनी बंदूक उठा लेता है लेकिन भालू एक बार फिर ग्लास पे हमला करता है लेकिन इस बार हमला करने से पहले ग्लास भालू के गोली मार देता है लेकिन वो एक भालू है बहुत शक्तिशाली है इसलिए उसे उस गोली का ज्यादा नहीं होता और अब वो ग्लास को लगभग अधमरा कर देता भालू भी अब थोड़ा से चुका है लेकिन एक बार फिर तीसरी बार वो ग्लास हमला करता है। और जब भालू ग्लास को मार रहा होता है तो ग्लास भी लगातार और वो दोनों एक ढलान से लुढ़कते हुए गिर जाते हैं और वो भालू ग्लास के ऊपर गिर जाता है लेकिन भालू मर चुका है और गिलास भी लगभग मर ही चुका होता है क्योंकि भालू ने उसका गला पूरी तरह से फाड़ दिया है और उसे बहुत गहरे गहरे घाव दिए और वो दर्द से करारा होता है तभी ग्लास के साथ ही उसे ढूंढते हुए वहां पर आते हैं और वो देखते हैं और ग्लास को अपने साथ ले जाते हैं है। उसका गला है, है।, है। यानी कि वो चल भी नहीं सकता और उन लोगों का ये मानना होता है कि ये एक घंटा भी जिंदा नहीं रह सकता वही दूसरी तरफ ये दिखाते कि जो आदिवासी इन लोगों को मारना चाहते थे उनके पास इनकी बहुत सारी खाले होती है और वो उन खालों के बदले कुछ लोगों से बंदूकें और घोड़े ले लेते हैं इससे पहले वो आदिवासी इन पर तीर और कमान से हमला करते थे लेकिन अब उनके पास घोड़े हैं बंदूकें हैं तो इनकी जान को और ज्यादा खतरा है यहाँ ये नौ लोग ग्लास के लिए लकड़ी का एक स्ट्रेचर बनाते हैं वो ग्लास को उसके ऊपर रखते हैं और आगे बढ़ना शुरू करते हैं लेकिन आगे पूरा चढ़ाई का रास्ता होता है और ग्लास को लेकर उस चढ़ाई पे चढ़ना लगभग नामुमकिन है

लेकिन ग्लास अपनी आंखें नहीं झपकाता फिट्स बोलता कि तुम्हें आंखें झपकाने की कोई जरूरत नहीं है और इसके बाद वो उसकी नाक और मुंह बंद करना शुरू कर देता है और ग्लास अब मर रहा होता है तड़प रहा होता है और तभी ग्लास का बेटा पीछे से आकर बंदूक के पीछे हिस्से से फिट्स को बहुत जोर से मारता है और फिट्स बहुत दूर जाकर गिरता है फिट्स फिट्स उसे समझाने की कोशिश करता है 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 कि मैं ऐसा क्यों कर रहा था लेकिन लेकिन उसका बेटा उसकी तरफ बंदूक बंदूक देता उससे छीन लेता है। और उसके पास एक चाकू होता है जिससे वो उसके बेटे को मार देता है ग्लास का गला पूरी तरह से कटा होता है इसलिए वो चिल्ला भी नहीं पाता उसका पैर टूटा है वो अधमरी हालत में इसलिए वो अपने बेटे की मदद नहीं कर सकता वो सिर्फ अपने बेटे को मरता हुआ देखता है और फिड्स उसके बेटे को उठाकर एक ढलान के पीछे छुपा देता है ताकि जब वो तीसरा लड़का वहां पर आए तो उसे ना देख पाए और जब वो लड़का वहां पर आता है तो ग्लास उसे नहीं बता पाता कि इसने मेरे बेटे को मारा है क्योंकि उसके मुंह से आवाज नहीं निकल सकती अब रात होती है और फिड्स और ब्रिजर सो जाते हैं और सुबह फिड्स ब्रिजर के कान में कहता है कि यहां से लगभग थोड़ी सी दूर पर 20 आदिवासी हैं और वो इसी तरफ आ रहे हैं

सिटी निवासी किया जाएगा तो मैं इसके ऊपर मिट्टी डाल रहा हूं वो उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल देता है और वहां से चला जाता है और उस लड़के को बोलता है कि तुम भी जल्दी आ जाओ हालांकि वो लड़का नहीं जाना चाहता लेकिन उसकी जान का भी खतरा है और वो ग्लास के ऊपर अपनी एक बोतल रखकर वहां से निकल जाता है उसे नहीं पता होता कि फिट झूठ बोल रहा है आसपास कोई आदिवासी नहीं होते और अब यहाँ पर ग्लास अकेला है वो तड़प रहा है वो मरने वाला है ग्लास बहुत देर तक उसी जगह पर जहां पर उसे दफना के चले गए अदमरी हालत में लेटा रहता है और फिर वो पूरी हिम्मत जुटाता है और रगड़ता हुआ उस जगह पर जाता है जहां पर उसकी बेटी की लाश है और वो अपने बेटी की लाश के ऊपर सर रखकर कई घंटों तक लेटा रहता है फिर उसे भूख लगती है और वो रगड़ता हुआ एक जगह पर जाता है जहां पर मछली का एक कंकाल पड़ा होता है वो उससे एक हड्डी तोड़ता है और उसमें कुछ सूखा हुआ मांस होता है वो उसे खाता है और फिर वो रगड़ता हुआ घिसरता हुआ एक पहाड़ी के छोर तक जाता है और वो देखता है कि नीचे एक नदी है और बड़ी मुश्किल से वो उसी तरह से रगड़ता हुआ उस नदी के किनारे पहुंच रहा है।, है, तो है, है अब ग्लास के पास कुछ बारूद होता है आग जलाने के लिए वो थोड़ा सा बारूद अपनी गर्दन पे जहां पर घाव होता है वहां डाल देता है और वो आग जलाकर एक आग की चिंगारी से अपनी गर्दन में आग लगाता है जिससे बारूद जल के एक चिंगारी पैदा होती है और उस चिंगारी से उसकी गर्दन जल जाती है और वो ऐसा इसलिए करता है ताकि जल्दी से जो उसका घाव फटा हुआ है वो चिपक जाए और जैसी उसमें आग लगती है उसे बहुत दर्द होता है और ग्लास बेहोश हो जाता है इसके बाद ग्लास कई दिनों तक उसी नदी के किनारे रहता है वो पानी पीकर घास खाकर अपने आप को जिंदा रखता है और एक दिन वो आदिवासी उसी नदी के किनारे आ जाते हैं और इससे पहले कि वो ग्लास को मार पाते ग्लास नदी में कूद जाता है और तैरता हुआ बहता हुआ एक दूसरे किनारे से निकलता है और अब गिलास नदी के किनारे कुछ दिन तक रहता है उसे काफी दिन हो चुके तो उसके घाव भी भर चुके हैं और वो लकड़ी के सहारे थोड़ा थोड़ा चल भी सकता है हालांकि नदी के किनारे होने के कारण उसके लिए पानी की कोई कमी नहीं है लेकिन खाना अभी भी उसको भरपेट नहीं मिल पाता कभी कभी और जब वो उस तरफ जाता है तो वहां पर एक आदमी ने बहुत बड़ा शिकार किया होता है और वो उसे खा रहा होता है और जैसे वो गिलास को देखता है वो अपना तीर और कमान उसकी तरफ देता है और उसे मारने वाला होता है कि गिलास कहता है कि मुझे खाना चाहिए हालांकि वो बोल तो नहीं पाता, लेकिन इशारे से उसे समझाता है कि मुझे खाना चाहिए और मेरी जो ये हालत है एक जंगली भालू ने की है और मेरे लोगों ने मुझे यहां मरने के लिए छोड़ दिया और उन्होंने मेरे बेटे को भी मार दिया और ये जो आदमी होता है इसके पूरे परिवार को इसके पूरे गांव को भी लोगों ने जला दिया होता है मार दिया होता है वो उसे खाना देता है और कहता है कि तुम मेरे साथ ट्रैवल कर सकते हो और इसके बाद वो दोनों आगे का सफर तय करते हैं और इस आदमी के पास एक घोड़ा भी होता है इसलिए इनका सफर आसान हो जाता है वहीं दूसरी और फिट्स और वो लड़का जो यहाँ पर ग्लास को मरने के लिए छोड़ गए थे जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं तो उस लड़के को फिट्स की बातों से ये पता चल जाता है की वहां पर कोई भी आदिवासी नहीं था और फिट्स ने ये झूठ बोला था ताकि वो अपनी जान बचा सके इस बात का लड़का विद्रोह करता है लेकिन फिट्स उसको अपनी बातों में बहका वहां से आगे के सफर में ले जाता है और जब वो आगे जाते हैं, तो वो एक गांव से होकर गुजरते हैं। और उस गांव को किसी ने पूरी तरह से तबाह कर दिया होता है वहां के सारे लोगों को मार दिया होता है और वहां पर उन्हें दो घोड़े भी मिल जाते हैं और उन घोड़ों पर सवार होकर वो वहां तक पहुंच जाते हैं जहां उन्हें पहुंचना था लेकिन फिट्स उस लड़के को उस जगह पर एंटर करने से पहले यह बोलता है कि उन्हें कभी भी सच मत बताना अगर उन्हें सच पता चला तो वो हमें सूली पे चढ़ा देंगे अब फिट्स और वो लड़का कैप्टन के पास जाते हैं दरअसल कैप्टन और उसकी टीम इनसे पहले यहां पहुंच गई होती है और जब वो कैप्टन के पास जाते हैं तो कैप्टन अपने वादे के मुताबिक उन दोनों को सौ सौ डॉलर देता है लेकिन वो लड़का पैसे लिए बिना वहां से चला जाता है फिट्स बोलता है कि सफर में जो कुछ भी हुआ उससे लड़का सदमे में इसलिए ऐसे रिएक्ट कर रहा है

जाता है लेकिन अब वो रुकेगा तो वो उसे गोली मार देंगे इसीलिए ग्लास घोड़े के साथ उस खाई से गिर जाता है और नीचे एक पेड़ से टकराता है सीधा बर्फ में गिरता है घोड़ा गिरने से मर जाता है लेकिन ग्लास अभी भी जिंदा है लेकिन भले ही वो इस पहाड़ से गिर के नहीं मरा लेकिन वो ठंड से नहीं बच सकता क्योंकि अभी तक जिस भालू की खाल को वो ठंड में बचा था वो खाल वहीं छूट जाती है और ठंड से बचने के लिए घोड़े के पेट को काटता है और उसके अंदर से सारा मांस बाहर निकालता है और रात को वहीं सो जाता है क्योंकि वो जानता है कि अगर वो बाहर रहा तो ठंड से मर जाएगा वो किसी तरह से पूरी रात उस घोड़े के पेट के अंदर गुजारता है सुबह उठता है और अपना आगे का सफर तय करता है वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि जहां पर गिलास को पहुंचना है जहां पर फिट्स वो लड़का और, और यहाँ के लोग बदले में उसे कुछ पैसे मांगते हैं उसके पास कुछ ज्यादा पैसे नहीं होते वो उन्हें कुछ पैसे देता है और साथ में एक बॉटल देता है और ये वही बॉटल होती है जो ब्रिजर ग्लास को उस जगह छोड़ते हुए उसके ऊपर रखकर आ गया था और ब्रिजर को यह लगता है कि गिलास तो शायद मर चुका है लेकिन उसका बेटा हॉक जरूर जिंदा है और उसे लगता है कि हॉक की बोतल है वो उस आदमी से बोलता है कि ये तुम्हें कहां मिली वो कहता है कि यहाँ से 30 मील दूर किसी आदमी की गिर गई थी मैंने उठा ली और अब ब्रीजर और कुछ लोग वहां पर हॉक को यानी कि ग्लास के बेटे को ढूंढने जाते हैं क्योंकि ब्रीजर को नहीं पता होता कि उसे फिट्स ने मार दिया है लेकिन फिट समझ जाता है कि हो ना हो अभी भी ग्लास जिंदा है और अब कप्तान ब्रिजर और कुछ लोग उस जगह पर जाते हैं जहां पर ये बोतल मिली थी और जब वो उस जगह पहुंचते हैं तो वहां पर उन्हें ग्लास मिलता है और ग्लास को देखे कप्तान एकदम शॉर्ट हो जाता है क्योंकि ब्रिजर ने और फिट्स ने ये बोला था कि ग्लास मर चुका है और ग्लास को देखते कप्तान बोलता है कि ब्रिजर को अरेस्ट कर लो और वो गुस्से में कैंप में आता है और फिट्स को ढूंढता है लेकिन फिट्स वहां पर नहीं मिलता

और ग्लास देखता है कि वहां पर कैप्टन की लाश पड़ी होती है और आसपास कोई नहीं होता इसके बाद ग्लास लकड़ी की एक बहुत बड़ी टहनी तोड़ता है और उसे कैप्टन की पीठ पे लगा देता है ताकि उसकी पीठ सीधी हो जाए और उसे घोड़े पे बिठा देता है और खुद पीछे वाले घोड़े पर लाश की तरह लेट जाता है ताकि फिट्स को यह लगे कि आगे ग्लास है और पीछे जो लेटा हुआ जो लाश है वो कैप्टन की है और होता भी ऐसी है। उन घोड़ों को देखकर फिट्स को लगता है कि आगे जो है वो ग्लास है और पीछे जो लेटा हुआ है वो कैप्टन की लाश है और वो आगे वाले आदमी पे गोली चला देता है और गोली लगते वो गिर जाता है फिट्स को लगता है कि ग्लास भी अब मर चुका है और वो धीरे धीरे लाश की तरफ आता है और जब वो जगह तक पहुंचता है और लाश को पलटता है, है, तो है, है।, 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 है और पीछा करते करते वो एक नदी के किनारे पहुंच जाता है जहां पर उन दोनों की बहुत लड़ाई होती है और वो दोनों ही जख्मी हो जाते हैं और तभी ये दिखाते हैं कि नदी के उस पार वही आदिवासी आ जाते हैं जो इन लोगों को मारना चाहते हैं और जब ग्लास फिट्स को मारने वाला होता है कि तभी उसे उस आदमी की याद आती है जिसने उसे खाने के लिए मांस दिया था और जो उसे घोड़े पर बिठाकर अपने साथ ले गया था उसने एक बार ग्लास से कहा था कि प्रतिशोध लेना भगवान के के हाथों में 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 है इंसान नहीं और वो उसे नदी नदी छोड़ देता बहते हुए दूसरी तरफ पहुंच जाता है जहाँ वो आदिवासी उसे पकड़ मार देते हैं और इसके बाद वो तो नदी पार करके ग्लास की तरफ आते हैं पर उसे नहीं मारते क्योंकि उन्हें उनकी बेटी मिल गई होती है और ये वही लड़की होती है जिसका रेप होते हुए एक बार ग्लास ने उसे फ्रांसीसी था और इसीलिए वो ग्लास ग्लास को छोड़कर से से आगे निकल जाते हैं हैं और और अंत में ये दिखाते हैं कि पूरी तरह जख्मी हैं। और तभी उसे उसकी सांसें बहुत गहरी चल रही होती है और इसी के साथ ये ये बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग सच्ची कहानी ये कहानी शुरू होती है सन अठारह से जहां पर यह दिखाते हैं कि एक बहुत घने जंगल में पैंतालीस लोग हैं आदिवासी कबीला हमला कर देता है और इनके बहुत सारे लोगों को मार देता है और ये आदिवासी कबीला हमला इसलिए करता है कि इनका जो सरदार होता है उसकी बेटी को किसी ने अगवा कर लिया होता है और उन्हें ऐसा लगता है कि ये इन्हीं का काम है अब इनके बहुत सारे लोगों को मार दिया गया है और ये मात्र दस बचे हैं और ये दस के दस जो वहां पर इनकी नाव होती है उस पर बैठकर वहां से निकल जाते हैं लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है क्योंकि आदिवासियों हमला कर सकते हैं अब यहाँ पर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता तभी जो इनका हेड होता है वो ग्लास से पूछता चाहिए ग्लास बोलता है रास्ते चलना चाहिए लेकिन ग्लास की इस बात से इन्हीं के ग्रुप का एक आदमी इतफाक नहीं रखता वो बोलता कि अगर हम जमीन से जाएंगे तो वो

दोबारा इस जगह पर आए तो इनकी खाले इन्हें मिल जाएं और अब ये सारे के सारे जंगल के रास्ते चलना शुरू करते हैं और यहाँ की एक और बहुत बड़ी समस्या ये होती है कि यहाँ की ठंड बहुत खतरनाक होती है और ठंड का मौसम आने वाला है इनका रास्ता कई हफ्तों का है और इन्हें उस ठंड का सामना करना पड़ेगा लेकिन इनके पास अब और कोई चारा नहीं है इसीलिए सब उस ठंड का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं और अब ये सारे के सारे उस घने जंगल के रास्ते चलना शुरू करते हैं रात होती है और ये सब जंगल में सो जाते हैं और अगली सुबह ये दिखाते हैं कि इनकी नाव छोड़ने का जो फैसला था वो बिल्कुल सही था क्योंकि आदिवासी इनकी नाव तक पहुंच जाते हैं और आदिवासी देखते हैं कि नाव में कोई भी नहीं है वो समझ जाते हैं कि ये पैदल जंगल के रास्ते घर जाने की कोशिश कर रहे हैं तभी उन्हीं आदिवासियों में से एक आदिवासी बोलता है कि उनके पैरों के निशान हमें उत्तर की तरफ जाते हुए मिले और ये सारे आदिवासी ये फैसला करते हैं कि ये सब उनके पीछे उत्तर की तरफ जाएंगे अब आदिवासी इनके पीछे जो मारना चाहते हैं और ये लगातार उत्तर की तरफ बढ़ते चले जाते हैं पूरा दिन पैदल चलने के बाद रात को ये एक जगह अपना डेरा जमा लेते हैं सुबह सबसे पहले गिलास उठ जाता है वो अपनी बंदूक उठाता है और जंगल में टहलने के लिए चला जाता है तभी उसे ऐसे लगता है कि उसके आसपास कोई है और ग्लास एकदम सतर्क हो जाता है और उसे सामने भालू के कुछ बच्चे नजर आते हैं इससे पहले कि ग्लास वहां से निकल पाता भालू उस पर हमला कर देता है ग्लास की बंदूक गिर जाती है और भालू उसे बुरी तरह से जख्मी कर देता है ग्लास बुरी तरह जख्मी हो चुका है भालू उससे थोड़ा सा दूर जाता है और ग्लास बड़ी मुश्किल से अपनी बंदूक उठा लेता है लेकिन भालू एक बार फिर ग्लास पे हमला करता है लेकिन इस बार हमला करने से पहले ग्लास भालू के गोली मार देता है लेकिन वो एक भालू है बहुत शक्तिशाली है इसलिए उसे उस गोली का ज्यादा

मर चुका है और गिलास भी लगभग मर ही चुका होता है क्योंकि भालू ने उसका गला पूरी तरह से फाड़ दिया है और उसे बहुत गहरे गहरे घाव दिए और वो दर्द से करारा होता है तभी ग्लास के साथ ही उसे ढूंढते हुए वहां पर आते हैं और वो देखते हैं और ग्लास को अपने साथ ले जाते हैं है। 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 यानी कि वो चल भी नहीं सकता और उन लोगों का ये मानना होता है कि ये एक घंटा भी जिंदा नहीं रह सकता वही दूसरी तरफ ये दिखाते कि जो आदिवासी इन लोगों को मारना चाहते थे उनके पास इनकी बहुत सारी खाले होती है और वो उन खालों के बदले कुछ लोगों से बंदूकें और घोड़े ले लेते हैं इससे पहले वो आदिवासी इन पर तीर और कमान से हमला करते थे लेकिन अब उनके पास घोड़े हैं बंदूकें हैं तो इनकी जान को और ज्यादा खतरा है यहाँ ये नौ लोग ग्लास के लिए लकड़ी का एक स्ट्रेचर बनाते हैं वो ग्लास को उसके ऊपर रखते हैं और आगे बढ़ना शुरू करते हैं लेकिन आगे पूरा चढ़ाई का रास्ता होता है और ग्लास को लेकर उस चढ़ाई पे चढ़ना लगभग नामुमकिन है तभी इनका जो कैप्टन होता है वो अपने एक आदमी को बोलता है कि ग्लास के मुंह पर कपड़ा रखो दरअसल वो ग्लास को गोली मारने वाला होता है क्योंकि उसको लगता है कि ग्लास अब नहीं बच सकता वो तड़प रहा होता है और उसको यहां से बाहर ले जाना लगभग नामुमकिन है तभी ग्लास का बेटा बोलता है कि ऐसा मत करो और कैप्टन को उस पर दया जाती है क्योंकि ग्लास की वजह से ये सब बचे होते हैं वो अपने आदमी को बोलता है कि जो भी यहाँ पे ग्लास के साथ रुकेगा उसे रॉकी माउंटेन फर कंपनी की तरफ से सत्तर डॉलर दिए जाएंगे क्योंकि ग्लास ने इन सबकी मदद की होती है और वो चाहते हैं कि ग्लास को नेचुरल डेथ मिले और जब ग्लास मर जाए तो उसका अंतिम संस्कार करके ये लोग भी वापिस आ जाएं। अब गिलास का बेटा बोलता है कि मैं रुकूंगा और वहां पर एक लड़का और होता है कहता है मैं भी रुकूंगा चाहे सत्तर डॉलर मिले ना मिले अब इन्हीं में एक आदमी होता है जिसका नाम फिट्स होता है वो कैप्टन को बोलता है कि सत्तर डॉलर बहुत कम है कैप्टन बोलता है ठीक है सौ डॉलर और तभी जो ग्लास का बेटा और जो दूसरा लड़का होता है वो बोलता है है कि तुम हमारे डॉलर्स भी रख सकते हो और फिट्स कहता है कि तीन सौ डॉलर काफी है इससे मैं अपना घर खरीद सकता हूं और वो भी इनके साथ रुकने के लिए तैयार हो जाता है अब ये तीन और ग्लास यहां पे रुक जाते हैं और बाकी ये सारे आगे निकल जाते हैं ग्लास की हालत बहुत खराब है फिट्स को लगता है कि ये एक दो दिन में मर जाएगा लेकिन ग्लास जिंदा रहता है। है, एक शाम को जब ग्लास अकेला होता अपने बेटे की और हम सबकी जान बचा सकते हो क्योंकि आदिवासी अगर यहां पर आ गए तो वो हम सबको मार देंगे और अब मैं तुम्हारी नाक और मुंह बंद करने वाला हूं अपनी आंखें झपकाओ और मुझे यह करने की अनुमति दो लेकिन ग्लास अपनी आंखें नहीं झपकाता

तो वो अधमरी हालत में इसलिए वो अपनी बेटी की मदद नहीं कर सकता वो सिर्फ अपने बेटे को मरता हुआ देखता है और फिट्स उसके बेटे को उठाकर एक दलान के पीछे छुपा देता है ताकि जब वो तीसरा लड़का वहां पर आए तो उसे ना देख पाए और जब वो लड़का वहां पर आता है तो ग्लास उसे नहीं बता पाता कि इसने मेरे बेटे को मारा है क्योंकि उसके मुंह से आवाज नहीं निकल सकती अब रात होती है और फिड्स और ब्रिजर सो जाते हैं और सुबह फिड्स ब्रिजर के कान में कहता है कि यहां से लगभग थोड़ी सी दूर पर 20 आदिवासी हैं और वो इसी तरफ आ रहे हैं इस बात से ब्रिजर डर जाता है वो बोलता है कि का है। फिट्स कहता है कि हॉक है अगर वो जिंदा हुआ तो ढूंढ लेगा वो लड़का कहता है कि गिलास जिंदा है और हमने कैप्टन को वादा किया था कि गिलास के मरने के बाद हम उसका अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज से करके यहाँ से निकलेंगे ये सुनने के बाद फिड्स गिलास को बहुत बुरी तरह से खींचता है उसके पूरे शरीर में घाव होते हैं और वो दर्द से चिल्ला रहा होता है और सामने गड्ढा उसने किया होता है उस गड्ढे में वो ग्लास को डाल

यहाँ पर ग्लास अकेला है वो तड़प रहा है वो मरने वाला है ग्लास बहुत देर तक उसी जगह पर जहां पर उसे दफना के चले गए अदमरी हालत में लेटा रहता है और फिर वो पूरी हिम्मत जुटाता है और रगड़ता हुआ उस जगह पर जाता है जहां पर उसकी बेटी की लाश है और वो अपने बेटी की लाश के ऊपर सर रखकर कई घंटों तक लेटा रहता है फिर उसे भूख लगती है और वो रगड़ता हुआ एक जगह पर जाता है जहां पर मछली का एक, एक हड्डी हुआ, 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 हुआ उस नदी के किनारे पहुंच जाता है और जब वो पानी पीता है तो पानी उसकी गर्दन से निकलना शुरू हो जाता है क्योंकि वो कटी होती है अब ग्लास के पास कुछ बारूद होता है आग जलाने के लिए वो थोड़ा सा बारूद अपनी गर्दन पे जहां पर घाव होता है वहां डाल देता है और वो आग जलाकर एक आग की चिंगारी से अपनी गर्दन में आग लगाता है जिससे बारूद जल के एक चिंगारी पैदा होती है और उस चिंगारी से उसकी गर्दन जल जाती है और वो ऐसा इसलिए करता है ताकि जलने से जो उसका घाव फटा हुआ है वो चिपक जाए और जैसी उसमें आग लगती है उसे बहुत दर्द होता है और ग्लास बेहोश हो जाता है इसके बाद ग्लास कई दिनों तक उसी नदी के किनारे रहता है वो पानी पीकर घास खाकर अपने आप को जिंदा रखता है और एक दिन वो आदिवासी उसी नदी के किनारे आ जाते हैं और इससे पहले कि वो ग्लास को मार पाते ग्लास नदी में कूद जाता है और तैरता हुआ बहता हुआ एक दूसरे किनारे से निकलता है और अब ग्लास इसी नदी के किनारे कुछ दिन तक रहता है उसे काफी दिन हो चुके तो उसके घाव भी भर चुके हैं और वो लकड़ी के सहारे थोड़ा थोड़ा चल भी सकता है हालांकि नदी के किनारे होने के कारण उसके लिए पानी की कोई कमी नहीं है लेकिन खाना अभी भी उसको भरपेट नहीं मिल पाता कभी कभी एक लेता है जिससे वो सिर्फ अपने और जब वो उस तरफ जाता है तो वहां पर एक आदमी ने बहुत बड़ा शिकार किया होता है और वो उसे खा रहा होता है और जैसे वो गिलास को देखता है वो अपना तीर और कमान उसकी तरफ तान देता है और उसे मारने वाला होता है कि ग्लास कहता है कि मुझे खाना चाहिए हालांकि से उसे समझाता है कि मुझे खाना चाहिए और मेरी जो ये हालत है एक जंगली भालू ने की है और मेरे लोगों ने मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया और उन्होंने मेरे बेटे को भी मार दिया और ये जो आदमी होता है इसके पूरे परिवार को इसके पूरे गांव को भी लोगों ने जला दिया होता है मार दिया होता है वो उसे खाना देता है और कहता है कि तुम मेरे साथ ट्रैवल कर सकते हो और इसके बाद वो दोनों आगे का सफर तय करते हैं और इस आदमी के पास एक घोड़ा भी होता है इसलिए इनका सफर आसान हो जाता है वहीं दूसरी ओर और और वो लड़का जो यहाँ पर ग्लास को मरने के लिए छोड़ गए थे जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं तो उस लड़के को फिड्स की बातों से यह पता चल जाता है कि वहां पर कोई भी आदिवासी नहीं था और फिड्स ने यह झूठ बोला था ताकि वो अपनी जान बचा सके इस बात का लड़का विद्रोह करता है लेकिन फिड्स उसको अपनी बातों में बहका वहां से आगे के सफर में ले जाता है और जब वो आगे जाते हैं, तो वो एक गांव से होकर गुजरते हैं और उस गांव को किसी ने पूरी तरह से तबाह कर दिया होता है वहां के सारे लोगों को मार दिया होता है और वहां पर उन्हें दो घोड़े भी मिल जाते हैं और उन घोड़ों पर सवार होकर वो वहां तक पहुंच जाते हैं जहां उन्हें पहुंचना था लेकिन फिट्स उस लड़के को उस जगह पर एंटर करने से पहले यह बोलता है कि उन्हें उन्हें कभी भी सच सच मत बताना अगर उन्हें सच पता चला तो वो हमें सूली पे चढ़ा देंगे अब फिड्स और वो लड़का कैप्टन के पास जाते हैं दरअसल कैप्टन और उसकी टीम इनसे पहले यहां पहुंच गई होती है और जब वो कैप्टन के पास जाते हैं तो कैप्टन अपने वादे के मुताबिक उन दोनों को सौ सौ डॉलर देता है लेकिन वो लड़का पैसे लिए बिना वहां से चला जाता है फिट्स बोलता है कि सफर में जो कुछ भी हुआ उससे लड़का सदमे में इसलिए ऐसे कर रहा है। और वो उसके पैसे भी ले लेता है और तभी कहीं कहीं बर्फ, बर्फ का तूफान शुरू हो जाता है ग्लास बीमार है उसके घाव सड़ रहे हैं और इस वजह से वो बेहोश हो जाता है इसके बाद वो आदमी ग्लास के लिए एक लकड़ी का छोटा सा झोपड़ा बनाता है और ग्लास के सारे कपड़े उतारकर उसे उसके अंदर रख देता है और उसे चारों तरफ से ढककर सामने आग जला देता है ताकि उसको गर्मी मिल सके और ग्लास जब सुबह उठता है तो चारों तरफ देखता है कि वो आदमी कहीं भी नहीं होता और जब वो थोड़ी सी आगे जाता है तो देखता है कि किसी ने उस आदमी को फांसी लगाकर पेड़ पे लटका दिया है है ये फ्रांसीसी लोगों का काम होता है। अब ग्लास उनके घोड़ों तक पहुंचता है वहां एक एक फ्रांसीसी लड़की के साथ रेप कर रहा होता है ग्लास उस लड़की को उस आदमी से बचाता है और अपने घोड़े को लेकर कुछ लोगों को गोली मारकर वहां से भाग जाता है वहां से भागने के बाद रात ग्लास एक पेड़ के नीचे गुजारता है और जब सुबह होती है तो वो देखता है कि वो आदिवासी उस तक पहुंच

ठंड से नहीं बच सकता क्योंकि अभी तक जिस भालू की खाल को ओढ़कर वो इस ठंड में बचा था वो खाल वहीं छूट जाती है और ठंड से बचने के लिए घोड़े के पेट को काटता है और उसके अंदर से सारा मांस बाहर निकालता है और रात को वहीं सो जाता है क्योंकि वो जानता है कि अगर वो बाहर रहा तो ठंड से मर जाएगा वो किसी तरह से पूरी रात उस घोड़े के पेट के अंदर गुजारता है सुबह उठता है और अपना आगे का सफर तय करता है वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि जहां पर गिलास को पहुंचना है जहां पर फिट्स वो लड़का और यहाँ के लोग बदले में उसे कुछ पैसे मांगते हैं उसके पास कुछ ज्यादा पैसे नहीं होते वो उन्हें कुछ पैसे देता है और साथ में एक बॉटल देता है और ये वही बॉटल होती है जो ब्रिजर गिलास को उस जगह छोड़ते हुए उसके ऊपर रखकर आ गया था और ब्रिजर को यह लगता है कि गिलास तो शायद मर चुका है लेकिन उसका बेटा हॉक जरूर जिंदा है और उसे लगता है कि हॉक की बोतल है वो उस आदमी से बोलता है कि ये तुम्हें कहा मिली वो कहता है कि यहाँ से 30 मील दूर किसी आदमी की गिर गई थी मैंने उठा ली और अब ब्रीजर और कुछ लोग वहां पर हॉक को यानी कि ग्लास के बेटे को ढूंढने जाते हैं क्योंकि ब्रीजर को नहीं पता होता कि उसे फिट्स ने मार दिया है लेकिन फिट्स समझ जाता है कि हो ना हो अभी भी ग्लास जिंदा है और अब कप्तान ब्रिजर और कुछ लोग उस जगह पर जाते हैं जहां पर ये बोतल मिली थी और जब वो उस जगह पहुंचते हैं तो वहां पर उन्हें ग्लास मिलता है और ग्लास को देखे कप्तान एकदम शॉफ्ट हो जाता है क्योंकि ब्रिजर ने और फिट्स ने ये बोला था कि ग्लास मर चुका है और ग्लास को देखते कप्तान बोलता है कि ब्रिजर को अरेस्ट कर लो और वो गुस्से में कैंप में आता है और फिट्स को ढूंढता है लेकिन फिट्स वहां पर नहीं मिलता

ग्लास और कैप्टन फिड्स की तलाश में निकल पड़ते हैं दरअसल वो उसके घोड़े के पैरों के निशानों को फॉलो कर रहे होते हैं और बहुत आगे जाने के बाद उसके घोड़ों के पैरों के निशान खत्म हो जाते हैं और वहां से उन दोनों को अलग होना पड़ता है और जब कैप्टन उसे ढूंढ रहा होता है तो फिड्स एक बड़े से पत्थर के पीछे से निकलता है और उसे गन पॉइंट पे ले लेता है कैप्टन उसे बोलता है कि तुम्हारे ऊपर खून का इल्जाम है तुम मेरे साथ वापिस चलो लेकिन वो नहीं मानता और वहां पर वो कैप्टन को गोली मार देता है गोली की आवाज सुनकर उस तरफ ग्लास आता है और ग्लास देखता है कि वहां पर कैप्टन की लाश बड़ी होती है और आसपास कोई नहीं होता इसके बाद ग्लास लकड़ी की एक बहुत बड़ी टेनी तोड़ता है और उसे कैप्टन की पीठ पे लगा देता है ताकि उसकी पीठ सीधी हो जाए और उसे घोड़े पे बिठा देता है और खुद पीछे वाले घोड़े पर लाश की तरह लेट जाता है ताकि फिड्स को यह लगे कि आगे ग्लास है और पीछे जो लेटा हुआ जो लाश है वो कैप्टन की है

जाता है जहां वो आदिवासी उसे पकड़कर मार देते हैं और इसके बाद वो नदी पार करके ग्लास की तरफ आते हैं पर उसे नहीं मारते क्योंकि उन्हें उनकी बेटी मिल गई होती है और ये वही लड़की होती है जिसका रेप होते हुए एक बार ग्लास ने उसे फ्रांसीसी लोगों से बचाया था और इसीलिए वो ग्लास को छोड़कर वहां से आगे निकल जाते हैं और अंत में ये दिखाते हैं कि ग्लास पूरी तरह से जख्मी है और तभी उसे उसकी बीवी की आत्मा दिखाई देती है ग्लास की आंखों में आंसू होते हैं और उसकी सांसें बहुत गहरी चल रही होती है और इसी के साथ ये फिल्म ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है